हेलो, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई, आप सभी को जैसे पता होगा, अभी सीपीओ के फिजिकल चल रहे हैं, तो अभी 30 से स्टार्ट हो गए थे 2022 वाले। तो एक्चुअली मेरा भी था 31 को, और तो उसमें मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा क्वालिफाइड है। मैं आपको बाकी उसमें अटैच करके दिखा दूंगा। तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 70% जो व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने, तो सपोर्ट करो यार। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको अपली लिखा हुआ है इसको, वैसे मैंने भी पहले अटेम्प्ट में ही दिया था, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले रूट डिटेल्स, मेरा सेंटर था एक्चुअली ITBP सबोली कैंप है, जो नथुपुरा सोनीपत, और मैं बेसिकली सोनीपत से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी नियरेस्ट पड़ गया था। तो उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम था हमारा 6 बजे का सुबह, तो और एंट्री लास्ट तक चली थी 8 साढ़े 8 बजे तक अराउंड। और मेरे यहाँ का था 300 बच्चों का था, लेकिन रिपोर्टिंग थी वो 190 के अराउंड हुई थी। तो उसके बाद एंट्री के बाद, और स्पेशली एंट्री के टाइम, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको लेके जाना है, एक तो आधार कार्ड अपना ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों। उसके बाद आपको लेके जाना है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो लेटेस्ट होंगी आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वैसे वहाँ आपकी फोटोज दो ही लगेंगी, लेकिन आप स्पेयर में दो और एक्स्ट्रा लेके जाना। उसके बाद फोटोज के बाद आपको चाहिएगा ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि जिन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रखा है उनको तो मस्ट है लेके जाना, और स्पेशली एक फोटो कॉपी जरूर लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे हो जाती है, लेकिन स्टिल अगर नहीं पॉसिबल है तो लेके जाना। और उसके साथ आपको जो ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे फ्रूट वगैरह जरूर लेके जाना, क्योंकि वहाँ डिहाइड्रेशन का इशू होगा, तो या तो ग्लूकोन डी वगैरह लेके जाना, या फिर पानी वगैरह लेके जाना, क्योंकि डिहाइड्रेशन का इशू ना हो जाए आपको वहाँ पर। सो स्टे हाइड्रेटेड। उसके बाद अंदर एंट्री होते ही आपको बैच में स्प्लिट किया जाता है, 20 बच्चों का बैच होता है। मेरा हमारे वहाँ 10 बैच हुए थे, जिसमें हर बैच में 20 बच्चे थे, और बैच में ऐसा नहीं था कि जिसका रोल नंबर साथ में है वैसे हर बच्चों को स्प्लिट किया जाता है। रोल नंबर ज़रूरी नहीं है कि साथ वाले साथ आएंगे, स्प्लिट करके कर रहे हैं, शफल कर रहे थे उनको। बैचेस में स्प्लिट करने के बाद आप सभी को बायोमेट्रिक के लिए लेके जाएंगे, और बायोमेट्रिक के बाद आपको थंब इम्प्रेशन वगैरह, बेसिक जो फॉर्म डिटेल्स वगैरह प्रोसीजर है वो करना है। उसके बाद आप सभी को बैचेस में बिठा दिया जाएगा, और बेसिकली एक बैच में ऐसा है अप्रोक्स मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा आपको, मतलब हर बैच को, और दो दो तीन तीन बैचेस को साथ में बुला रहे थे चेस्ट नंबर डाल के। तो आपको उसके बाद सबसे पहले जो आपका होता है इवेंट, वो होता है 1600, जो आपको 6:30 मिनट में करना होता है। और मेरा जो यहाँ था, मतलब रोड था वो, और स्क्वायर शेप में था वो। तो आगे आपके एक बाइक रहेगी जो आपको गाइड करती है, आपको रूट जो है टोटल जो होता है पूरा, और पीछे आपके एक लास्ट बच्चे के पीछे होता है जो, वहाँ एक एम्बुलेंस चलती है आपके पीछे। तो ये प्रोसीजर था मैंने उसका। और जो 6 मिनट के, मेरे यहाँ तो ऐसा था 6 मिनट के बाद आप सभी को मतलब काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं, वो बोलते हैं तो 1 2 30। तो मतलब ये बेसिक टिप बता रहा हूँ आपको, वहाँ अगर काउंटडाउन स्टार्ट होता है ना उस टाइम, तो आपको मतलब जितना हो सके ना पूरी जान लगा के भाग देना। भाग अगर लास्ट में काउंटडाउन के टाइम आप अगर भाग लिए ना, तो 90% चांस आपका हो जाएगा। और आप ये चीज़ ध्यान रखना कि मतलब हमारे वहाँ ऐसा था, हमारे रिपोर्टिंग 190 के आसपास थे, और 52 बच्चों का हुआ था बस। तो मतलब सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम था, और मोस्टली बच्चे, मान लो 70% बच्चे थे, जो 70-80% बच्चे थे वो 1600 में निकले हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली बच्चों का क्या हो रहा था कि स्टेमिना नहीं बन पा रहा था, और नर्वसनेस बहुत थी। और अंदर जा रहे हो, थोड़ा फ्रूट वगैरह ले रहे हो, जो आप अंदर वैसे अवेलेबल होंगे, लेकिन आप भी लेते रहना, क्योंकि जो हाइड्रेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपकी 1600 मीटर जो क्वालिफाई होंगे उनकी फॉर्मेलिटीज होंगी, उनकी फोटोज वगैरह क्लिक होंगी। उसके बाद आपको 10 मिनट के आसपास मिलेंगे और फिर 100 मीटर स्प्रिंट के लिए आपको लेके जाया जाएगा। उनका ऐसा स्प्रिंट का ऐसा था कि वो 16 सेकंड्स में करनी होती है आपकी जो स्प्रिंट होती है। और स्प्रिंट का ऐसा था कि दो बच्चे भी भगाए हैं पहले 4-5 बैच के हमारे, मेरा बैच नंबर 8 था। और हमारे बैच में तो ऐसा हो गया था कि टाइम ज़्यादा हो गया था क्योंकि सुबह 6 बजे एंट्री कर ली थी मैंने, 6:15 बजे के आसपास, और शाम को 6:30 फ्री हुआ था मैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो गया था। तो इस वजह से वो लास्ट में 5-5 बच्चे भगाने लग गए थे स्प्रिंट में। और स्प्रिंट में मतलब किसी का रहता नहीं है, 100 मीटर मतलब रेयरली एक दो बच्चों का रहा था, हम में से नहीं तो सबका हो गया था। उसके बाद फिर फोटो होती है, हर एक इवेंट जो मैं बता रहा हूँ उसके हर इवेंट के बाद आपकी फोटो होगी, सो दैट आगे SSC वालों को वो सबमिट कर सकें क्योंकि एक ऑथेंटिकेशन हो जाती है। उसके बाद आप सभी को लेके जाया जाएगा लॉन्ग जंप के लिए। लॉन्ग जंप का ऐसा था, आपको लॉन्ग जंप के लिए जो आपका चेस्ट नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको जंप करना था, और वो आपको दिखाते हैं मेजर करके कि अप्रोक्स वो कितना है। और लॉन्ग जंप कैसा सीन था, 3.65 मीटर्स था और उसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, मतलब 3.65 आप ये मान लो सीधा सीधा 12 फुट के आसपास, मतलब 12 फुट से भी हल्का कम ही होता है, 12 फुट आप अगर तैयारी है आपकी तो हो जाएगा इजीली। और वो वहाँ आप देखोगे तो वो काफ़ी पास खड़ा होकर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर दूर से करोगे तो इजीली हो जाता है। मेरा खुद, मैं यहाँ जब ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहा था मेरा खुद यहाँ आता था, मैं 14:30 भी कूदा हूँ यहाँ पे, लेकिन वहाँ नर्वसनेस में ऐसा हो गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना, बाकी हो जाएगा इजीली। लॉन्ग जंप में भी हमारा 2-3 बच्चे रहे थे, बाकी हो गया था सबका। उसके बाद आपके फिर फोटो होगी लॉन्ग जंप के बाद, उसके बाद आपका नंबर आता है हाई जंप के लिए। और हाँ, मैं चांसेस के लिए रिगार्डिंग बता देता हूँ आपको, चांसेस में ऐसा सीन था जैसे लॉन्ग, सब पूछते हैं कि ये डाउट रहता है ना कि जैसे बैच, एक बैच है हमारा बैच नंबर 8 था जैसे, तो हमारे बैच में मान लो 10 बच्चों का हुआ है, 10 बच्चों में से जैसे जिन जिनका जिन बच्चों का फर्स्ट चांस में नहीं हुआ है ना, तो सबसे पहले सबका होगा, जो रह गए ना फिर उसी बैच वालों का दोबारा होगा। हमारे यहाँ तो ऐसा सीन था, मतलब एक साथ 3 चांसेस नहीं मिल रहे थे, पहले सबका हो रहा था एक चांस, उसके बाद सबका दूसरा हो रहा था, फिर तीसरा, ऐसे था। और जो क्वालिफाइड हो रहे थे वो एक साइड बिठाए जा रहे थे, और उसके बाद फोटो हो रही थी आपकी। उसके बाद हाई जंप के लिए लेके जाया जा रहा था, हाई जंप वो 3 चांस मिल रहे थे आपको उस चीज में, और मेरा फर्स्ट चांस में हो नहीं पाया था क्योंकि मैं साइड से सीजर कूद रहा था, वो कूदा नहीं गया मेरे से क्योंकि पेन काफी था मेरे पैर में। लेकिन उसके बाद मैंने जो, मैं जैसे कि यहाँ कूदता था सीधा ही, तो उससे हो गया। तो आपका ये चीज ध्यान रखना हाई जंप में, जैसे जो आपकी स्ट्रेटेजी आप यहाँ से करके गए हो ना वो करना है, बाकी वहां से वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करना बस। और उसके बाद आपको फोटो होती है दोबारा उसके बाद, और फिर आपका लेके जाते हैं शॉर्ट पुट के लिए। शॉर्ट पुट इज लाइक इजिएस्ट पार्ट, मतलब कोई भी इजिली फेंक देगा उसको। इसमें है 16 LBS का होता है वेट जो उसका होता है, 4.5 मीटर होता है 3 चांसेस में, तो काफी इजी था वो शॉर्ट पुट में, तो कोई भी नहीं रहा था हमें से। उसके बाद आपकी फिर फोटो होती है और यहाँ आपका PET खत्म हो जाता है। हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको एक टिक दे देता हूँ, उसमें आप अगर बिना शूज के करेंगे तो काफी बेस्ट रहेगा, और जो 1600 मीटर आपकी वो शूज में ही करना मस्ट है। 1600 और 100 मीटर का स्प्रिंट है वो शूज में करना, और लाइट वेट क्लोथ्स में मस्ट है ये। उसके बाद आपको ले जाया जाता है PST के लिए। PST में ये सीन है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बेसिकली दिखानी पड़ती है। सबसे पहले आपका होता है हाइट होता है, और आप झूठ मानोगे हमारे जो बच्चे थे जिन्होंने फिजिकल में काफ़ी, जो PET है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो उसे रह गए हाइट में, 4-5 बच्चे निकाल दिए, तो मतलब इतनी नज़दीक आ गया अगर किसी को निकाला जा रहा है तो वो काफ़ी मतलब दिक्कत हो जाती है। अपन 70 सेंटीमीटर मांग रखी हो उसमें जो बॉयज के लिए है। और उसके बाद हाइट होने के बाद आपको बिठा दिया जाता है, उसके बाद होती है आपकी जो वेट होती है, और वेट का ऐसा सीन है, वेट इज अकॉर्डिंग टू योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं जिसको, उसके अकॉर्डिंग होगा आपका, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी वेट में किसी को निकालना नहीं था, तो स्टिल आप एक बार अपना जो BMI के अकॉर्डिंग एक बार देख जाना वेट। उसके बाद आपको बुलाया जाता है चेस्ट के लिए, चेस्ट में है 80 सेंटीमीटर से आपकी ऊपर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड या एक्सपेंडेड,
और एक्सपेंड होने के बाद जो होता है उसमें आपकी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आना चाहिए। तो उसके बाद जिन बच्चों का ये सब हो रहा था उसके बाद उनको थोड़ी देर बिठाया जाता है, मतलब हर इवेंट के बाद 10-10 मिनट का गैप मिलता है आपको उसके बाद। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, चेस्ट के लिए जब चेस्ट मेजरमेंट होती है उस टाइम पे हाइट वेट और चेस्ट PST के टाइम आपको बिल्कुल मतलब सिर्फ शॉर्ट्स में रहना होगा और चेस्ट नंबर में, क्योंकि और हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंड हो गई थी उस टाइम क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने वाइट कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाना वहाँ पे क्योंकि उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। और फिर उसके बाद जिनका PST हो गया था उनकी हो रही थी फोटोज हो रही थी जो क्वालिफाइड है उनकी, और उसके बाद आपको बिठा दिया जाता है। ये मान लो आप 1-2 घंटा, हमको तो काफ़ी टाइम बिठा दिया गया था क्योंकि जो CO सर थे वो रिटायरमेंट पार्टी में गए हुए थे CO साहब, तो इस वजह से हमको काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद आपको एक ये फॉर्म इस तरह का मिल जाता है क्वालिफाइड का, मैं आपको डाल दूंगा उस पर, इस तरह का क्वालिफाइड होता है जैसे आप देख सकते हैं मेरा ही है। तो उसके बाद आपको बाहर आना पड़ता, ऐसा ही था। बाकी आपको मेन ध्यान रखना है 1600 मीटर है जो, उसकी प्रैक्टिस करके जाना, मेन वही है। और खाने पीने का अपना कुछ लेके जाना। और मोस्टली बच्चों का क्या डाउट होता है कि हम ये खा लेंगे, ये खा के भाग लेंगे, इंजेक्ट कर लेंगे, रेडबुल पी लेंगे, वो कर लेंगे, भाई इन सब में मत पड़ना। मैं खुद, मेरे पेन था लेकिन मैंने खुद सिर्फ एक पेन किलर लेके, अगर आपको पेन है ना, जैसे मेरा सिनबोन पेन था, मेरा एंकल पे स्वेलिंग थी, तो मैं सिर्फ 650 mg की पेन किलर लेके सोया था रात को, और उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता मेरे को। और आपको अगर काफ़ी दिक्कत हो रही है तो आप आयोडेक्स वगैरह या फिर मूव स्प्रे वगैरह होते हैं, बाकी स्प्रे अवॉइड ही करना, क्रीम वगैरह होती है उसको लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पेन है तो। बाकी इजी है, आपको नर्वस नहीं होना, बस इजीली हो जाएगा भाई। फिजिकल जस्ट दे के निकला हूँ मैं, टाइम देख सकते हो, ये अपने भाई हैं। तो यार निकाल भाई, चढ़ा दे, ये अपने भाई हैं, ये ब्रो अपना भाई, पूरा ही बैच हो गया है, या बने भाई फ्लाइंग ऑफिसर हैं भाई, होने वाले अभी बनने वाला, गोइंग टू बी, गोइंग टू बी फ्लाइंग। ये भाई अपना कैंप है, आगे दिखाना, आगे दिखा पूरा दिखा, क्या एक्सपीरियंस है भाई, कैसा रहा भाई? भाई देख फिजिकल तो आसान ही है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। भाई जी तोड़ियो बिल्कुल भाई, ये इंजर्ड था फिर भी इसने कर दिया भाई। भाई तो मेरा वाली बात है, ओके क्या कर रहे हो, कुछ दिखावत होता होता तू? ना ना ना, बस एडिट एडिट करना पड़ जाएगा, एडिट करना पड़ जाएगा भाई। मोटिवेशन है पाम मोस्ट तीन लोग का भाई, हो गया बताऊं भाई, सही बताऊं भाई, थे मेरी लाइफ मारी होगी सही खींच के। ये भाई ने बहुत वेट करा, पर सही तपस्या ही किया भाई इसने, भाई दीवार पे खड़े होकर बहुत चीर करा मर दी, मजा आ गया सही खींच के बिल्कुल। भाई अभी ऑपरेशन कर रुक गए थे कुछ खाने, एग्जाम के बाद एक्सीडेंट हुआ, 3 बार गिर गया ऊपर। चाचा अभी जा रहे हैं, ये गए हुए थे वहाँ पे, इन्होंने भाई मेरी फिजिकल की जो तैयारी है मैंने ज़्यादा दिन वैसे की नहीं थी, 10-11 दिन ही गया था मैं, लेकिन उन्होंने कराई थी भाई, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो और आई होप आप सभी का हो जाए, मैं भाई सबका चाहता हूँ कि सबका हो जाए, और भाई चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।